अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। आज हम लोग आए नरेश पर आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अफगानी पुलाव। जो देखिए, मैंने दो तीन अदद प्याज ली थी बड़ी, उसको मैंने कटिंग कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में। और गरम मसाले में ले रही हूँ मैं एक टी स्पून काली मिर्चें लिए, और ये दालचीनी के टुकड़े। बड़े हों तो आप दो ले सकते, मेरे पास छोटे थे तो हमने ले लिए दो ही, जितने ही ले लिए बड़े। और देखिए, तीन मैंने सब्ज़ इलायची लिए और दो टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है वाइट ज़ीरा, और तीन तेज़पात है, और ये मिक्स गरम मसाला था, और दो बड़ी इलायची, और तीन स्टार थे, और ये मैंने गाजर ली थी एक पाव, इसको मैंने ऐसे स्लाइस में कटिंग कर लिया, और ये किशमिश है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक किलो मैंने चिकन ली थी, उसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया। अभी हम बनाने की तरफ चलते हैं और आपको साथ साथ बताते भी हैं। देखिए, मैंने एक और आधा कप ऑयल लिया है, ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, और साथ में हम खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसको देखिए, ऑयल गर्म हो गया, हम प्याज ऐड करें बिस्मिल्लाह, और साथ में मैं गर्म मसाले भी ऐड कर दूँगी। देखिए, साथ में खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें, इसको अच्छे से हम भून लेंगे बिस्मिल्लाह। जैसे हमारे प्याज का कलर चेंज होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगी जितने में चाहिए ब्राउन प्याज। देखिए, इसको हम छोड़ देंगे। देखिए, हमारे प्याज हमें इतने ही ब्राउन चाहिए थे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए थे, ज़्यादा कहेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा पुलाव। देखिए, अभी हम ऐड करेंगे चिकन बिस्मिल्लाह, और साथ में लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे 3 टीस्पून। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे बिस्मिल्लाह। इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, चिकन को इतना भूनना है जो अच्छे से ये पिंक से वाइट हो जाए। देखिए, इसको भूनेंगे। देखिए, अब इसके अंदर नमक ऐड करूंगी अभी मैं बिस्मिल्लाह। नमक ऐड करेंगे हम, नमक ऐड कर दिया मैंने इसमें, और मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ 2 टीस्पून। इसको अच्छे से हम भूनेंगे बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से भूनेंगे चिकन में, देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। और साथ में दूसरे चूल्हे पे हम गाजरों को भी फ्राई कर लेंगे, और मैं इसके अंदर फिर पानी ऐड करूँगी। अब इसको हम भूनने देंगे चिकन को, इसके अंदर देखिए अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें चिकन में, देखिए गोल्डन गोल्डन हो जाएगा इसमें, ये देखिए। देखिए, मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है 5 से 10 मिनट तक। देखें, बहुत अच्छे से भून गया, और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया खूबसूरत सा चिकन में, ये देखें बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, पानी हमें इतना डालना जो हमारे चिकन भी गल जाए, में हम चावल भी बनाने अपने। देखिए, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने एक जग चावल लिया था, 2 जग मैं ये पानी ऐड करूँगी। देखिए, अब इसको हम कवर कर देंगे, तब तक कर गए जब तक कि हमारे चावल पानी में बॉयल नहीं आ जाता बहुत अच्छे से बिस्मिल्लाह। और साथ में हम ये गाजरों को फ्राई करते हैं और आपको बताते हैं अभी। देखिए, हम गाजर फ्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 चमचे जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखिए, खाने वाले 2 चमचे मैंने ऑयल ऐड कर दिए, और इसकी आँच बिल्कुल स्लो है, इसको हम स्लो आँच पर फ्राई करेंगे, गाजरों को भून लेंगे। देखिए, अब इसके अंदर हम गाजर ऐड कर दें बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गाजरों को। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे गाजर को। देखिए, मैं इसको स्लो आँच पे कर रही हूँ, तेज़ आँच होगी तो जल जाएंगी बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे।
खाते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश को भी अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे किशमिश को भी। और मैं इसके अंदर भी ऐड करूँगी चीनी, दो चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड कर दीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से और भून लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किशमिश हमारी बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगी तेल में। देखिए अब इसको हम फ्राई कर लेंगे किशमिश को भी, और आपको भी दिखाते हैं इसका अगला। देखिए इसको भी हम फ्राई होने देंगे किशमिश और गाजरों को, इन्हीं हमारी इसमें मेल्ट हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा पानी बॉयल हो गया चावलों का, इतना अच्छा सा बॉयल हो रहा है। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। मैंने चावल लिए थे सेला, तो मैंने दो घंटे भिगो के रख दिए थे। देखिए अभी हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। देखिए मैंने सभी चावल ऐड कर दिए इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसको मिक्स करके इसके बाद मैं इसके अंदर नमक चेक कर लूँगी। नमक हम ऐड करेंगे फिर इसमें। पानी में अगर नमक तेज़ हो तो चावल में बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट होता है। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया, और नमक चेक कर लेंगे। नमक ऐड करना है अभी इसमें नहीं है। देखिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए नमक ऐड किया था तो इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हम पकने देंगे। जैसे हमारे चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, हम इसको दम पे रख देंगे। और साथ में हमारी गाजर भी हो रही है, अभी आपको दिखाते हैं। इसको मैं अलग कवर कर दूँगी। देखिए हमारी गाजर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। इसको अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे बर्तन में। देखिए किशमिश भी देखिए बहुत अच्छे से फूल गई। देखिए हमारी किशमिश और गाजर दोनों हो गई। देखिए अभी हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए अपने चावलों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है इसमें। देखिए इसको आराम से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा सा पक रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। देखिए इसको हम अभी जैसे इसके अच्छा सा पानी ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। देखिए अभी इसको पुलाव को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसका अच्छे से पानी ड्राई होने वाला है। एक दफ़ा हम चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि माशाल्लाह हमारा अफगानी पुलाव अभी इसके जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसके गाजरें ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए अभी इसमें पानी है, देखिए अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसको दम पे रखेंगे। देखिए अपने पुलाव चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, इसको भी हम दम पे रखेंगे। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया इसका, और इसको हम दम पे रखेंगे। इसके नीचे मैं तवा रखूँगी, ऊपर से इसको हम कपड़ा ढक के दम पे रखेंगे। मैं इसके अंदर गाजरें ऐड करती हूँ अभी। देखिए अभी मैं इसमें गाजरें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह सभी हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। मैंने फ्राई की थी, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा अफगानी पुलाव, इसको अच्छे से दम आ जाएगा। 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए हमने जो तेल लिया तो वो भी ऐड कर देंगे इसमें। सभी इस पर गाजर ऐड कर दी, इसको अभी हम कवर करके और दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी गाजरें हम अच्छे से इसमें फैला देंगे। देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा सा खूबसूरत सा दिख रहा है। देखिए देखिए हमने तवा रख दिया, इसको हम तवे पर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, और इसको भी हम कवर कर देंगे, और ये कपड़ा सेटों में ऊपर कर देंगे, जल ना जाए अच्छे से। जैसे दम आ जाए उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा दम आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया और बहुत अच्छा सा दम आ गया इसमें। देखिए चावल देखिए कितने खिले खिले से बने हुए हमारे, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा दम आ गया इसमें पुलाव में। और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं अभी, देखिए हमने डिश आउट कर लिया, अफगानी पुलाव बन के हमारा रेडी हो गया। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छी लगी होगी हमारी रेसिपी। जो हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो बरक मिलती जाए। जो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नए रेसिपी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।